शाहरुख खान किसी पहचान के मोहताज नहीं है। वो आए दिन किसी ना किसी चीज को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म पठान दर्शकों को काफी पसंद आई थी। सोशल मीडिया के दौर में ज्यादातर चीजें फैंस तक पहुंच ही जाती हैं, वहीं कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो फैंस तक नहीं पहुंच पाती। शाहरुख खान की फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा है, ऐसे में उनके फैंस उनसे जुड़ी हर छोटी बातें जानना चाहते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको शाहरुख खान की अजीब आदतों के बारे में बताने वाले हैं। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ तनवीर कौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड केसरी। आइसक्रीम एक ऐसी चीज है जो शायद सभी खाना पसंद करते हैं। किंग खान यानी कि शाहरुख खान को आइसक्रीम खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो कभी भी आइसक्रीम नहीं खाते हैं। आइसक्रीम खाने से शाहरुख खान को दांतों में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। ये भी कारण है कि उन्हें आइसक्रीम खाना नहीं पसंद है। वैसे भी शाहरुख खान को घर का बना हुआ खाना ही पसंद है, वो बाहर खाना पसंद नहीं करते हैं। सभी सेलेब्स को कुछ ना कुछ पसंद होता है, ऐसे में वो उन चीज़ों की कलेक्शन करते हैं जो उनको सबसे ज़्यादा पसंद होती है। बता दें कि शाहरुख खान को जीन्स काफ़ी ज़्यादा पसंद है। शाहरुख खान के पास हजारों की संख्या में जीन्स है जिसे वो पहनना पसंद करते हैं। शाहरुख अपनी एक जीन्स को दोबारा पहनना पसंद नहीं करते हैं। वो अक्सर नए नए कलेक्शंस की जीन्स पहनते रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि शाहरुख खान को जूतों का भी शौक है? अगर नहीं तो बता दें कि शाहरुख खान के पास हजारों की संख्या में जूते हैं। वो जूते पहनना काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, ऐसे में शाहरुख खान के पास अच्छा खासा जूतों का कलेक्शन है। साल 2015 में शाहरुख खान ने बेके अब्राम के शूज़ कलेक्शन की एक तस्वीर शेयर की थी जहाँ पर उन्होंने लिखा, जैसा बाप वैसा ही बेटा। सिर्फ शाहरुख खान ही नहीं बल्कि उनके बेटे को भी जूतों का काफ़ी शौक है। आपको बता दें कि बहुत ही कम लोग हैं जो जानते हैं कि एक्टिंग की दुनिया में एंट्री पाने के लिए शाहरुख खान को एक शर्त पूरी करनी थी। जी हाँ, ना चाहते हुए भी उन्होंने उस शर्त को माना था। हम सभी जानते हैं कि शाहरुख खान ने टीवी सीरियल फौजी से अपना करियर शुरू किया था। सही मायने में ये किंग खान का पहला ब्रेक नहीं था। दरअसल शाहरुख खान इससे पहले साल 1988 में आए टीवी सीरियल दिलदारिया में नजर आ चुके थे और उस शो में रोल देने के लिए शो के मेकर लेख टंडन ने उनके सामने एक शर्त रखती थी। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने शाहरुख खान से उनके लंबे बाल कटवाने के लिए कहा था और शाहरुख खान को अपने बालों से काफ़ी ज़्यादा प्यार था। हालांकि दुखी मन से शाहरुख खान को मेकर की ये शर्त माननी पड़ी और बाल उन्होंने कटवा दिए। शाहरुख खान को टीवी शो फौजी से पहचान मिली, जिसके बाद किंग खान ने मुंबई का रुख किया और उसके बाद उन्होंने करियर में कभी मुड़कर नहीं देखा। और उसके बाद से ही शाहरुख खान ने एक के बाद एक हिट फिल्मों में काम किया और आज वो एक जानी मानी हस्ती बन चुके हैं। आप क्या सोचते हैं शाहरुख खान के बारे, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए फॉलो करें बॉलीवुड केसरी को।